बर्थडे। तो आज जो है वो आधा अधूरा काम हो चुका है, आधा बाकी है। और आज ना मतलब जब से बारिश गई ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। बाहर खुले रखना मतलब बड़ी ये की बात होती है, मुश्किल की बात होती है। और किचन में अगर जाती हूँ ना तो मैं और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और क्या होता है कि फ़ैन है, फ़ैन चालू नहीं कर सकती, ऐसी प्रॉब्लम होती है। एकदम छोटा सा थोड़ी सी स्पीड में फ़ैन को चालू करना पड़ता है, क्योंकि गैस का नहीं तो वो वहाँ पर जो है ना वो चला जाता है हवा की वजह से। तो ये दिक्कत आती है। तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना तो पसीना पसीना छूट जाता है। और तो आई ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, शॉवर लिया और अभी रेडी हो गई हूँ। और अभी फिर से मैं सोच रही हूँ कि ये जो खुले बाल मैंने रखे हैं उनको तो फिर से क्लिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं किचन में जाऊँगी तो फिर से पसीना पसीना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज वैसे थर्सडे है तो थर्सडे को तो मैं हर रोज़ दाल ही बना देती हूँ। और जो मेथी की सब्ज़ी है वो सुबह ही मैंने बनाई थी, तो वो है सिंपल सी सब्ज़ी मैंने आज बनाई है। तो बस यही है लंच में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो कोथिंबीर वड़ी होती है ना वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, धनिया जो है वो मैंने पहले से ही कट करके रखा था, और जो अदरक लहसुन की पेस्ट होती है ना वो भी कट करके ही रख दिया था, क्योंकि ये सब कुछ काम कटिंग का हो जाता है ना तो बाद में अच्छा होता है, मतलब जल्द से जल्द जो है वो काम हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं अभी वही कोथिंबीर वड़ी होती है वो बनाने वाली हूँ। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैंने पहले ही शेयर कर दी है, तो इसकी वजह से मैं आपको इसमें कुछ डिटेल में नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मुझे आप बता दीजिएगा कि किस किस को कोथिंबीर वड़ी पसंद है। मुझे तो वैसे बहुत पसंद आती है। और धनिया भी ना बहुत सारी लाई थी, तो इसके वजह से इतनी सारी धनिया का मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कोथिंबीर वड़ी ही बना देती हूँ। एंड ये जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लग पाता है। तो सारे मसाले होते हैं वो डालने हैं, धनिया पाउडर डालनी है, जीरा पाउडर डालनी है, और बस इसको धीरे धीरे से मिक्स करके बनाना है। तो ये जो बैटर है वो मैं कुकर में ही लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, मतलब बर्तन लिया है जो कुकर में होता है ना वो वाला, और बस इसको ऑयल लगा के वो जो बैटर है वो मैं इसमें डाल दूँगी और कुकर में ही लगा दूँगी। कुकर की जो सिटी है वो निकाल के बस इसको 15 या 20 मिनट बस स्टीम देना है, तो ये अच्छे से हो जाती है और फटाफट से हो जाती है। उसके बाद मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर तक रख दूँगी, थोड़ी ठंडी होने के बाद ही इसको मैं कट करके बस इसको अभी फ्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई नहीं करती हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ। क्यों, कुछ लोग शैलो फ्राई भी करते हैं बट मुझे ज़्यादा तो डीप फ्राई करना ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिएगा, कोथिंबीर वड़ी रेडी है, तो आप भी आइएगा सब लोग खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक जो मेरा पौधा रह गया था गुड़हल का लगाने का, तो वही मैं अभी लगा रही हूँ। तो पौधों को पॉट में लगाना और उसके बाद उसको पानी डालना यही काम नहीं होता है, तो उनकी उनकी केयर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। तो पौधों के साथ अगर हम थोड़ा सा भी वक्त गुजारेंगे ना तो पौधों को भी बहुत ही अच्छा लगता है, और उनकी बीच बीच में देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि उनके पीले पत्ते पड़ जाते हैं तो वो निकालने हैं, और थोड़ी सी उनकी जो जगह होती है वो भी हम चेंज करेंगे तो उन पौधों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि हमें किसी नए जगह पर हम जाते हैं तो उनको हमें कैसा लगता है, तो वैसे ही उनका भी है ना। तो थोड़ा सा उनके साथ वक्त गुजारो, उनकी देखभाल करो, तो पौधे अच्छे से ग्रो हो ही जाते हैं। तो जो भी थोड़े से काम रह गए थे वो मैंने कर दिए हैं, और एक पौधा जो गुड़हल का पौधा था ना वो भी लगा दिया। और यस, अभी मैं सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन बना दूँ, क्योंकि गुलाब जामुन कितने दिनों से बनानी है बोल रही हूँ, बट
मौका नहीं मिल रहा है। तो पिछली बार भी मैंने बनाए थे बट ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से बना देती हूँ आज। और बाहर देखो, वेदर देखो एकदम क्लियर है, थोड़ी सी हल्की सी बारिश आके चली गई है और फिर से एकदम से अच्छा लग रहा है वैसे, क्योंकि ना दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल भी हो रही थी आज भी हो रही है गर्मी, थोड़ी सी बारिश आई ना तो इसके वजह से बहुत अच्छा लगा। और ये देखो यहाँ पे पौधों के ऊपर देखो गुड़हल के यहाँ पे ना, ये देखो ये जो क्या बोलते हैं ये चिट्टियाँ ना, इतनी बड़ी वाली चिट्टियाँ होती है ना वो आती है। और यह देखो कली को पूरा ख़राब कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे भी देखो पूरे कली को ख़राब करे, और तीनों जो कलियाँ हैं उसके ऊपर ये चिट्टियाँ आती है आके ना पूरा पौधे को ना ख़राब कर दी जा रही है, मतलब उसको इतने अच्छे से कलियाँ आ रही है फिर भी ये चिट्टियाँ ख़राब करी। और मैं उनके मतलब मैं उनको कितना बार बार उनको निकालूंगी, वो निकालूंगी ना फिर भी वो आ जाती है। तो अगर किसी को पता होगा ना कि इन चिट्टियों को कैसे निकालना है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वैसे मैं सर्च करके भी मैं कुछ कर सकती हूँ उसके ऊपर, बट फिर भी आप लोग बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो इनको ना मैं फिर से ना निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इनको निकाला था और अभी फिर से इनको मैं निकाल रही हूँ। आज ज़्यादा चिट्टियाँ आ गई, हर तीन चार चिट्टियाँ होती है और अभी जो है ना वो और दो नए वाले आ गए और वो जल्दी से जाते भी नहीं है, मतलब रह जाते हैं वहाँ पे। तो मेरा पौधा जो है ना वो पूरा उसको ख़राब कर रहे हैं ये लोग। और जो वाइट कलर के जो मिलीबग आता है ना वो नहीं आ रहा है अभी, बट ये जो है ना वो कुछ अलग कलर का आ रहा है, मतलब वो पता नहीं वो पहले जो चिट्टियाँ आती थी ना वो थोड़ी सी अलग थी, मतलब छोटी छोटी चिट्टियाँ आती थी और वो ख़राब करती थी, वाइट वाइट कलर का कुछ होता उसके ऊपर आता था। अभी जो है वो बड़ी वाली चिट्टियाँ आके उसको ख़राब कर रही, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसका थोड़ा सा जो क्या बोलती जगह जो है वो मैं चेंज करूँ, बट कहाँ पे रखूँगी अभी इसको। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये ऐसी वाली प्रॉब्लम है, और वहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको डोरमेट धो के रखा था, तो बारिश आई थी ना तो इसके वजह से वहाँ पे रख दिया, क्योंकि थोड़ी सी हल्की हल्की से वो सूखी नहीं है, हल्की हल्की गीली है। तो और अभी देखो धूप निकली है, थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली है, बारिश आती है ना और थोड़ी देर तक वो चली जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा दिन बारिश हो जाती है तो बहुत बड़ी परेशानियाँ हो जाती है। हाय। और चलो अभी मैं गुलाब जामुन बना देती हूँ, वैसे सुबह बनाने वाली थी पर सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया तो अभी बना दूँगी। और आज इंतज़ार करेगा कि गुलाब जामुन कब बनते और मैं कब खा लूँगा। क्योंकि मैंने उसका आज बोला है कि अभी शाम को मैं बना दूँगी, सुबह टाइम नहीं बना तो शाम को बनाने वाली हूँ, तो वो आके मुझे यही पूछेगा कि गुलाब जामुन बने हैं या नहीं, क्योंकि हम दोनों को भी गुलाब जामुन पसंद है, उसको भी पसंद है मुझे भी पसंद है, और यार सभी को पसंद आते हैं गुलाब जामुन, किसको नहीं पसंद आते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो अभी किचन की ओर। वैसे ना क्या बोलते हैं जो लेडीज होती है ना उनका ज़्यादा तो ज़्यादा ना किचन से बहुत बड़ा रिश्ता होता है ना, बहुत गहरा रिश्ता होता है, तो क्या बोल सकते हैं अभी, चलो रिश्ता निभा देती हूँ। तो अभी किचन में आई गुलाब जामुन बनाने के लिए, और यहाँ पे किचन काउंटर है वहाँ पे देख लिया तो बहुत सारे बर्तन ऐसे ही रह गए हैं, तो दोपहर को मैंने सारे जो बर्तन धोए थे वो ऐसे ही थे, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले इनको ही रख देती हूँ, क्योंकि पूरा जो आधा काउंटर टॉप है वो भर चुका है इन बर्तनों की वजह से, तो इनको मैं अच्छे से पोंछ कर ही रख रही हूँ, क्योंकि जो अभी ये मानसून सीज़न चल रहा है ना तो इसके वजह से जो बर्तन होते हैं वो जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, तो इसको पोंछ कर ही रखना पड़ता है, थोड़ा सा तो पानी उनमें होता ही है, तो इससे अच्छा है कि इनको अच्छे से पोंछ कर ही मैं रख दूँ। तो बस अभी ये जो काम है वो कर लेती हूँ और बाद में देख लूँगी कि क्या काम करना है।
सारे बर्तनों को तो मैंने रख दिया और उसके बाद मेरी नज़र इस कॉर्न पर पड़ गई और मुझे पता चला कि अरे यार ये जो कॉर्न है तो वो तो हमने खाया नहीं है, जब से लाए तब से एक भी बार हमने कॉर्न को नहीं खाया है। तो बस अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और बस इसको कुकर में ही लगा दूँगी क्योंकि कुकर में ही जल्दी से बन जाते हैं। तो बता दीजिएगा मुझे किस किस को कॉर्न पसंद है। वैसे सभी को कॉर्न पसंद आते ही है, कोई ऐसा नहीं होगा कि इसको कॉर्न पसंद नहीं है। तो अभी वही काम कर दूँगी और उसके बाद मैं गुलाब जामुन बना दूँगी। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो बन चुके हैं, वो मैंने ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो अच्छे से फ्राई करूँगी और बस यहाँ पे साइड पे चाशनी भी है वो भी बना रही हूँ। तो उसमें मैं इलायची होती है ना वो डाल रही हूँ, तो वही इलायची को मैं साफ़ करके बस उसमें डाल रही हूँ और एकदम से इजी वाले जो गुलाब जामुन होते हैं वही बना रही हूँ, जो पैकेट में मिलते हैं वही वाले जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिखाए हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने फ्राई कर दिए हैं और बस इसको चाशनी में डालना है। तो चाशनी रेडी हो जाएगी और थोड़े देर के बाद मैं ये जो गुलाब जामुन है वो देखिएगा अभी डाल भी रही हूँ गुलाब जामुन को। और फिर से जो है वो मैं आज दोपहर को भी मैंने कोथिंबीर वड़ी को फ्राई किया था, तो अभी मैं वही कर रही हूँ क्योंकि आज कोई ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं है। शाम को कॉर्न भी खाए हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा नहीं खाने वाले हैं और यहाँ पे गुलाब जामुन भी बन चुके हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।